उसको मौका मिलता 8-10 साल काम करती तो लोग उसको सराहते। मैंने कहा सर आपने बोला दूसरा घर है और आप अपने घर की तरफ देख ही नहीं रहे, तो मैंने कहा करो ना कुछ मदद तो करो हमारी, तो उन्होंने नजरअंदाज। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रामपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ताबड़तोड़ कार्यक्रम कर रही है, जहां उन्होंने कहा कि रामपुर विधानसभा में जो भीड़ भाजपा के कार्यकर्ताओं में आ रही है वह केवल भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को देखने के लिए आ रही है जो वोट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। रामपुर के राज दरबार परिसर में उन्होंने कांग्रेस के महिला विंग, युवा कांग्रेस, NSUI और SCCL की बैठकों की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भारी मतों से जिताने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने के टिप्स दिए और सभी से क्षेत्र की फीडबैक भी ली। हालांकि अभी वह रामपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुकी है और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और संगठनों के साथ मिलकर आगामी रणनीति बना रही है। अब सारा सेंटर का जितना भी मीडिया है, सोशल मीडिया है, अखबार है, न्यूज है, सब उसको हाईलाइट कर रहे हैं, सब उसको दिखा रहे हैं। अब लोग भी जब उसमें फेसबुक में देखते हैं या उसमें व्हाट्सएप पे देखते हैं तो लोगों को होता हमने भी छानी थी जी, हमने भी देखनी थी कैसी है वो हसीन परी, तो उसको देखने के लिए भी लोग जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, हमने भी देखनी क्या चीज है। वो होता है ना कई दफा एक अट्रैक्शन होता है कि भाई हम भी देखें क्या चीज है, तो ऐसा नहीं है। ये तो हमको भी पता है कि कुछ लोग ऐसे देखने के लिए जाते हैं पर वो वोट में नहीं कन्वर्ट हो सकते, वो लोग उनका वोट नहीं जा सकता। ठीक है उसको मौका मिलता 8-10 साल काम करती तो लोग उसको सराहते। सबसे बड़ी बात आपको एक बात और बताऊं, इतनी बड़ी बाढ़ हिमाचल प्रदेश में आई, हमारी ना केंद्र ने मदद की, जबकि मैंने ये बात प्रधानमंत्री से जाकर कही, मैंने जितने भी हमारे MP थे सभी से बात की कि चलो हम लोग सब मिलकर जाते हैं, प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि 12,000 करोड़ का नुकसान हो गया, ये स्टेट के पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसकी भरपाई कर पाए। अब लोगों की मदद तो करने, कई लोग बेघर हो गए, कई भूमिहीन हो गए, कईयों के भेड़ बकरियां चली गई, इतने जाने चली गई, तो उसके लिए हमें केंद्र से मदद की आवश्यकता है। हम लोगों ने किसी ने भी ना मेरी बात सुनी ना कोई मेरे साथ जाने को राजी हुआ, क्योंकि वो सब BJP के थे, मैं एक कांग्रेस की थी। मैंने प्रधानमंत्री से टाइम मांगा, उनको बोला कि प्रधानमंत्री जी आप मंडी आते हैं, आप मंडी की बात करते हैं, आप बोलते हैं मुझे यहाँ की सेपू बड़ी बड़ी पसंद है, यहाँ की वेशभूषा बड़ी पसंद है, आपकी भाषा में वो 2-4 लाइनें बोल देते हैं जो ये दिखाते हैं कि भाई मैं मंडी की भाषा भी बोल सकता हूँ। तो जब उन्होंने ये सब कुछ किया और ऐसे करके वो गए, उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश गुजरात मेरा पहला घर है, दूसरा घर मेरा हिमाचल प्रदेश। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी को, मैंने कहा सर आपने बोला दूसरा घर है और आप अपने घर की तरफ देख ही नहीं रहे, कितनी तबाही होगी, कितना नुकसान हो गया। तो उन्होंने कहा हाँ आपके मुख्यमंत्री भी आए थे और ये बात मेरे ध्यान में, तो मैंने कहा करो ना कुछ मदद तो करो हमारी, तो उन्होंने नजरअंदाज किया, कोई हमारे को मदद नहीं दी। आखिरकार हमारी सरकार ने ही और मुख्यमंत्री ने ही इसमें पहल की कि जो हमने पैसा अभी महिलाओं को बांटना था उसका उस धन को उन्होंने कहा कि ये थोड़ा ठहर के भी हो सकता है, पर जो लोग बेघर हो गए जिनका सब कुछ चला गया उनकी मदद करने की जरूरत है। वो 1.25 लाख रुपया एक घर बनाने के लिए मिलता था जो कि मुख्यमंत्री ने 7 लाख रुपए की धनराशि देकर लोगों के घर भी बनाए, लोगों को भूमि भी दी, जिनका नुकसान हुआ आर्थिक तौर से उनकी मदद भी की। तो उसके लिए हम अपनी सरकार के बहुत बहुत आभारी है कि आपने दुख की घड़ी में खड़े होकर उनकी मदद की। और मुझे आपसे ये बात भी कहनी है कि हमने